वो होने वाली है, नोपेक बना रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल बिल लेके आए हैं यूएस, दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट। तो ये इस तरह, और ये मनी प्रिंटिंग, ये लोग वापस उसी मेडिसिन पे जाएंगे, क्योंकि द फैक्ट इज दे हैव हॉलोड आउट द इकोनॉमी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी है नहीं, एंड फॉर जनरेशंस पीपल हैव नॉट डन यू नो इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग, किसी को करना नहीं था वो। सो ये कोई ओवरनाइट सॉल्व नहीं हो जाएगा। जैसे इंडिया फॉर एग्जांपल, अगर हम 25 साल से वी आर डिपेंडेंट ऑन बाइंग डिफेंस फ्रॉम आउटसाइड, अब ये कोई 2 साल में सॉल्व नहीं होगा। हमें समझिए अपने लाइट एयरक्राफ्ट बनाने में 20 साल निकल गए, तेजस जो एयरक्राफ्ट आई है। हमें अगर अपना यू नो सबमरीन बनाना है या अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है, ये बनते बनते भी 10 साल निकल जाएंगे। सो एवरीवन इज रियलाइजिंग कि आई विल नॉट हैव कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स 8 ईयर्स 10 ईयर्स। तो उसी में जो आप केपेक्स बूम का कह रहे हैं, जिसके पास बुद्धि है, फार साइटेडनेस है एंड एजिलिटी है, वो कर पाएगा। जैसे इंडिया में एक एग्जाम्पल है, भारत फौज वेरी क्विकली हैज मूव्ड एंड ही इज डूइंग दैट वर्क। सो यू विल गेट मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स लाइक दैट। सर, डॉलर मजबूत हो रहा है कि रुपया गिर रहा है? ये तो I need a special separate program with you on how we have not internationalized the rupee and we are bearing the consequences of that. कि आज आप तीसरे नंबर के देश बनने वाले हैं अगले 10 सालों में, और आपका ट्रेड दूसरे के करेंसी में सेटल होता है, या आपके पास क्या बोलते हैं स्वॉप लाइन्स आर नॉट देयर विथ US, विथ यूरोप, विथ जापान इन साइज, सो यू आर हैविंग टू अक्यूमुलेट रिजर्व्स विच दे आर प्रिंटिंग दैट काइंड ऑफ मनी एवरी 2-3 weeks. So the biggest flaw in our macro management, 90% हमने बहुत अच्छी काम किए हैं, बट ये जो बेसिक फ्लॉ है वो नहीं ठीक किया है। और जब तक ये ठीक नहीं होगा, आज आप जैसे चाइना कहता है सऊदी से हम युआन में पेमेंट देंगे तेल का, आप भी दोगे तो रुपया लेगा और आपसे चावल खरीदता है, आपसे और भी कुछ खरीदेगा, मैं क्यों उसको डॉलर में, फिर डॉलर गिरता है तो यहाँ पे करेंसी क्राइसिस होगा, पीपल विल विद्रॉ, ये क्या चल रहा है डॉलर की जो हेजेमनी है। तो ये दिस हैज टू ब्रेक, देयर इज नो क्वेश्चन। ये सर एक टीजर था और हम आपके साथ इस पे फुल आवाज अड्डा करेंगे, इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, इसको ये देश का मुद्दा है। ये ऐसे मानिए पुराने थ्योरी से आई गिव द एग्जांपल कि हम अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया T20 पे चल रही है, और ये टेस्ट क्रिकेट स्टाइल की US माय बाप है और वही यू नो करेंसी कोई कंट्रोल करेगा, स्विफ्ट भी वही कंट्रोल करेगा, दैट हैज गॉट एक्सपोज्ड इन व्हाट हैपेंड विद रशिया नाउ। सो मैनी कंट्रीज आर नाउ थिंकिंग कि ये तो कैसे चलेगा। आजकल US अगर हिंदुस्तान से नाराज हो जाए, जैसे उनके अम्बेसडर पहुंच गए POK में और स्टेटमेंट दे रहे हैं वहाँ, कल यू नो हमसे अगर कुछ हो गया आप क्या कर लोगे? वी कांट बी सो वल्नरेबल। लाइक पिछले टाइम जब इन्होंने ईरान पे सैंक्शन लगाया, इंडिया कॉम्प्लाइड एंड सारा फायदा चाइना ले गया, सारा फायदा। इस टाइम एटलीस्ट हम खड़े हुए कि नहीं, हमको तो रशिया का तेल चाहिए, हम नहीं कम्प्लाई करेंगे, और उसका फायदा हो रहा है आपको। सो ये जो You have to be looking at your interest because everybody is looking at their interest. अपना interest देखिए और अपने उस पुराने mindset को छोड़िए। अब आप इतना डर डर के नहीं कर सकते।